हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर जिसे हम ट्रिल के नाम से भी जानते हैं ओके okay, आज यहाँ पर आप देखोगे तो 20% परसेंट की लोअर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है शेयर गिरता हुआ नजर आया है कि हमने इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाई है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर आप देखिए लगभग तीन दिन पहले भी ये शेयर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी कि हमारे जो टारगेट थे वो यहां पर अचीव हुए यहां पर 150 का टारगेट पहले दिया था यहां पर दो महीने पहले भी यहां पर 100 का टारगेट दिया था तो देखिए बीच बीच में वीडियो बना बनाई है और यहाँ पर टारगेट जो है सारे के सारे अचीव होते हुए नजर आए हैं तो अब है बात करने वाले कि यहाँ पर बीस का लोअर सर्किट लगा है क्या यहाँ पर इस शेयर को बेच देना चाहिए खरीदना चाहिए exactly क्या करना चाहिए उस चीज चैनल को, सब, को ही टॉल की नोटिफिकेशन को ऑन करिए बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करो चीजों को सीखो जितना चीजों को सीखोगे उतना यहाँ पर आप अच्छे बनोगे याद रखिए एक साल की ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल वे में सौ दस साल की जो हम बुक रीडिंग करते हैं ना उससे भी बेटर होता है तो इस चीज को याद रखिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले तो वीडियो को देख के सीखिए दूसरा यहाँ पर हमारे कोर्स है डबल एट सिक्स जीरो फाइव फोर जीरो फाइव जीरो वन एट वन सिक्स नाइन टू सिक्स वन जीरो थ्री सेवन दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए सीखिए बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना होता है कब बेचना होता है ये पूरा एक आइडिया आपको लगता हुआ नजर आएगा और उसके बाद कोर्स को करने के बाद दुनिया कि किसी भी मार्केट में जाके काम करिएगा पैसा बनता हुआ नजर आएगा बीस रुपए का कोर्स है ये पुरानी फीस थी थ्री मंथ्स की हैंड होल्डिंग दी जाएगी ओके okay, स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ ऑनलाइन मार्केट ऑनलाइन नोट्स दिया जाएगा मार्केट में जो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है जिसकी वजह से शेयर भागते हुए नजर आते हैं पैसे बनते हुए नजर आते हैं वो सब चीज आपके सामने यहाँ पर खुल के रख दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा बारह सौ रुपए पर मंथ देके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं यहाँ पर आप देखिए स्टॉक्स दिए जाते हैं स्टॉक्स इन फोकस दो स्टॉक्स दिए थे आज यहाँ पर देखिए पांच परसेंट अप पांच परसेंट अप इसके अलावा अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है और आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो इन नंबरों को सेव कर लीजिए साथ में काम करिए ओके साथ में काम करने से क्या फ़ायदा होगा सबसे पहली बात अपना पोर्टफोलियो का आपका बार बार मैं यहाँ पर देखता रहूँगा इसके अलावा क्या बाइंग करना है क्या सेल करना है मेरी तरफ़ से अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो मेरे हैं वो आपको यहाँ पर पेश करेंगे विद रिसर्च ओके और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कंपाउंडिंग की बात की जाती है ना वो कंपाउंडिंग हमारे थ्रू यहाँ पर आप कर सकते हो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानते हैं ट्रिल की हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड तो देखिए यहाँ पर आप देखिए इज मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर फर्नेस एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स तो कंपनी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड काम करती है कंपनी यहाँ पर आ, आप यहाँ पर देखेंगे जो ये जो ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं आपके आप देख आपके घर के आसपास जिसके थ्रू जिसकी सप्लाई के थ्रू यहाँ पर आ, घरों में बिजली आती है उसमें ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है अच्छा खासा बिज़नेस मॉडल है स्विच गे ट्रांसफॉर्मर्स अलग यहाँ पर ये कंपनी काम करती है अच्छा खासा मैंने यहाँ पर समझा भी रखा है कि यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है किसी तरीके की बट एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है जिस वजह से ये शेयर आज के दिन में 20 परसेंट का लोअर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है क्या हो सकता है उससे रिलेटेड मैं आगे, आगे आपको बताऊंगा ओके okay, बट सबसे पहले उस न्यूज को यहाँ पर कवर कर लेते हैं तो न्यूज यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट पर चले जाइएगा ओके okay, तेईस घंटे पहले इन्होंने अपडेट भी दिया है क्या अपडेट दिया है उसे यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि चीजें समझ में आए तो देखिए जो यहाँ पर गुजरात एनर्जी ट्रांसफॉर्मर कॉरपोरेशन लिमिट कॉरपोरेशन लिमिटेड है ओके okay, जिसे जी के नाम से जाना जाता है उन्होंने यहाँ पर इनको फोर्ज यहाँ पर आप देखो ना फोर्ज मटेरियल डिस्पैच क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर फोर्ज किया गया मतलब एक तरीके से फोर्ज मतलब जूठी बात कह देना ओके okay, या बर्गलाना इस तरीके से आप क्या समझ सकते हो तो यहाँ पर एक इन्होंने ऑर्डर था इनका कि 29 ट्रांसफार्मर और वन रेक्टो uh, से रिलेटेड और इन्होंने ये अवार्ड uh, के चक्कर में या पता नहीं किसके चक्कर में इन्होंने ये कह दिया कि हमने ये सब सप्लाई कर दिया इन्होंने कहा और इन्होंने ये बताया है गैटको ने कि यहाँ पर इन्होंने केवल 24 ट्रांसफार्मर और वन रिएक्टर ही यहाँ पर अभी तक सप्लाई किया सो so फार ओके okay, यहाँ पर कंपनी है सक्सेसफुली इसके अलावा इन्होंने कहा है कुछ यहाँ पर परेशानी भी है इसे हमारी हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर बना के चलो तो ये कंपनी अब कहती हुई नजर आई है कि ठीक है हमने यहाँ पर जो uh, उन्होंने बताया था गेट ने जो कहा था जिसके अकॉर्डिंग जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पर फुलफिल करी है उसी से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है दैट्स इट ठीक है कुछ और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर की उन्होंने यहाँ पर फोर्ज यहाँ पर आप देखोगे ना फोर्ज एम एम डी सी सी से रिलेटेड यहाँ पर ये शेयर न्यूज़ आई और इसकी वजह से ये शेयर 20 परसेंट गिरता हुआ नजर आया और क्लियर जानना है तो यहाँ पर न्यूज पे आ जाइए आपको यहाँ पर समझ में आएगा तो यहाँ देखिए शेयर एटीन परसेंट मतलब ट्वेंटी परसेंट ये तो पहले ही आ गया था ठीक है सेशन फॉलोइंग द न्यूज़ यहाँ गुजरात एनर्जी ट्रांसफॉर्मर वुड नो लॉन्गर डू बिजनेस विद द कंपनी तो कंपनी के साथ लगभग वो तीन साल तक कोई काम करने वाला नहीं है ठीक है ड्यू टू एलिगेशन ऑफ द फोर्स मटेरियल डिस्पैच क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो इन इस सर्टिफिकेट उन्होंने झूठ बोला है कुछ ठीक है इससे रिलेटेड यहाँ पर आ, या फिर कोई सर्टिफिकेट है उसे गलत दिया गया है इस वजह से ये यहाँ पर काम नहीं करने वाले इनके साथ इस चीज़ को आ, तीन साल के लिए उन्होंने स्टॉप कर दिया है तो इस वजह से ये शेयर आप देखोगे तो अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया बट बर... आप देखोगे पर्टिकुलर शेयर को तो इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है लगभग टू सिक्सटी थ्री परसेंट के यहाँ पर रिटर्न दिया और वन नाइनटी थ्री परसेंट के यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होता हुआ नज़र आया पास्ट यहाँ पर रिएक्ट यहाँ पर आउट परफॉर्म इट सेक्टर तो इसके सेक्टर को क्या क्या आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया तो इस वजह से इस न्यूज की वजह से ये शेयर आज के दिन में 20 परसेंट गिरता हुआ नजर आया क्या कंपनी के फंडामेंटल में कोई फर्क आया है क्या फर्क आ सकता है उससे रिलेटेड अब बातें कर लेते हैं तो सबसे पहले तो 85 का प्राइस आ गया 112 का हाई लगाया है इसमें ठीक है आर ओ सी आर कुछ खास नहीं है और जब भी मैं यहाँ पर स्मॉल कैप ग्यारह करोड़ की कंपनी है माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी है जब मैं स्मॉल कैप कंपनी की बात करता हूँ तो देखिए रिटर्न तो एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे कि पचास रुपए वाला स्टॉक्स आपका एक सौ बारह एक सौ तेरह रुपए पहुंच जाएगा बट जब बात करी जाएगी गिरावट की तो वो गिरावट भी आपको ही सहनी पड़ेगी ठीक है और कोई सहने नहीं आएगा क्योंकि रिटर्न भी आपको ही मिल रहे हैं और गिरावट भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए छोटी कंपनी है पी e 27 ट्वेंटी सेवन का है इंडस्ट्री की पी e की बात करें थर्टी फोर का है ओके यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हो ऑल टाइम हाई के आसपास ये यह शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी सेल्स ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट और सब कुछ यहाँ पर अच्छा पेश करती हुई नजर आई है इसके अलावा ईयरली बेसिस पर देखोगे ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हाईएस्ट एवर है रिजल्ट भी है कंपनी के पास बोरिंग भी साथ साथ थोड़ी सी है इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर कंपनी ने पैसे लगा रखे है कैश भी यहाँ पर है ओके पॉजिटिव कैश फ्लो है इसके अलावा प्रमोटर्स की बात करें एज इट इज बने हुए हैं और पब्लिक के पास ट्वेंटी के ही शेयर यहाँ पर है तो ओवरऑल हम बात करें तो अच्छा खासा नज़र आता है बट यहाँ पर एक न्यूज़ में एक आर्टिकल है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी ने तीन साल के लिए इनके साथ बिजनेस करना बंद कर दिया है तो कहीं ना कहीं इनके ऑर्डर बुक पे इफ़ेक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा और इसी चीज़ को लेके कंपनी ने यहाँ पर हम बात करें तो शेयर प्राइस आज के डेट में गिरता हुआ नज़र आया इसके अलावा जो इस बार के रिज़ल्ट है मुझे थोड़ा सा यहाँ पर क्या नजर आता है कि शायद थोड़े से वीक आते हुए दिखाई दे सकते हैं एक दो क्वार्टर के रिज़ल्ट और ये ही ये एक दूसरी वजह हो सकती है इसके अलावा रिज़ल्ट की बात करें तो कब है इसके रिज़ल्ट वो भी एक बार आप देख लोगे तो वो भी आपको यहाँ पर पता चलती हुई नज़र आएगी कि इसके रिज़ल्ट एग्जैक्टली कब है और यहाँ पर कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो टारगेट आपको बताए गए थे कि यहाँ पर जो टारगेट है कंपनी के वो टारगेट ऑलरेडी अचीव होते हुए नज़र आ चुके हैं ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी से रिलेटेड तो एक बार ट्रिल का चार्ट देख लेते हैं ट्रिल का चार्ट यहाँ पर क्या क्या रहा है और फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर आगे की बातें कर लेते हैं तो ट्रिल का चार्ट हमें क्या कह रहा है बीस परसेंट की आज गिरावट है एक सपोर्ट था उस सपोर्ट को यहाँ पर इसने तोड़ दिया है और शायद यहाँ पर से एक गिरावट हो सकती है क्यों क्योंकि जो आज की गिरावट हुई है वो गिरावट पिछले काफ़ी टाइम से इस तरीके की गिरावट नहीं देखी गई है और सिंपल सा जितना भी मैंने पढ़ा है जितना भी मैंने मार्केट को जाना है जब भी इस तरीके की गिरावट होती है ना तो यहाँ पर चीज़ें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है मुझे नहीं लगता कि ये शेयर अभी कुछ टाइम तक चलने वाला है और शायद ये इसमें और ज़्यादा गिरावट हो सकती है टारगेट की बात करूं तो अगर ये यहाँ पर रुक जाता है जो आज का है तो अच्छी बात है अगर नहीं रुकता तो याद रखिएगा ये शेयर सबसे पहले सेवेंटी का लेवल तोड़ेगा 75 यहाँ पर और इसके बाद ये यह शेयर यहाँ पर आपको लगभग लगभग 68 या फिर दोबारा 47 और यहाँ पर 51 के 51 तक आपको दिख सकता है अब करना क्या है अगर किसी ने ले रखा है तो अगर ये गिरता हुआ दिखाई देता है चुपचाप निकल जाइएगा ठीक है बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफ़िट है तो भी निकल जाइएगा ठीक है और खरीदने का टाइम क्या है खरीदने का टाइम है जब ये स्टॉक्स 95 के ऊपर आ जाए ठीक है 95 के ऊपर आ जाए जाए करिएगा जो कि आएगा ओके अगर कंपनी ने एक दो क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे पेश कर दिए तो आएगा और ये शेयर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अच्छे खासे रिटर्न देते हुए जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक कप और एक हैंडल बनता हुआ नजर आएगा और इसके अकॉर्डिंग और फिवोनाशी के अकॉर्डिंग ये टारगेट लगभग लगभग यहाँ से फ़ीवनाशी uh, के अकॉर्डिंग तो अलग अलग टारगेट बन रहे हैं लगभग तीन सौ रुपये तक के टारगेट दिखाई रहा है बट अगर हम यहाँ पर चार्ट के हिसाब से देखें और कप विध हैंडल पैटर्न के हिसाब से देखें जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो एक अच्छे खासे टारगेट हमें यहाँ पर नज़र आते हैं वो कितने के हैं वो आपके लगभग लगभग लग 185 के आसपास के टारगेट है तो अभी भी लगभग 100 परसेंट की अपसाइड यहाँ पर नज़र आती है बट सीधे लंका में कूदना नहीं है ठीक है आप हनुमान नहीं हो वरना जल जाओगे सिंपल सी बात है यहाँ पर चीज़ों को सीखना है समझना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है अभी मुझे यहाँ पर तेजी नहीं दिखाई देती एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट होने दीजिए कंपनी के थोड़ा सा क्लैरिटी और आने दीजिए और क्लैरिटी आ जाएगी तब यहाँ पर चीज़ों को अच्छे तरीके से आप दोबारा एक अच्छे भाव पे यहाँ पर ले सकते हो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट करो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस